नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, भले ही आपने किन्नरों को हजारों बार देखा हो, लेकिन हमारा दावा है कि फिर भी आप इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको किन्नरों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी सुनी नहीं होंगी। ये बातें आपको हैरान तो करेंगी ही, साथ ही आपको किन्नरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए, समय को जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी खास पेशकश जो कि किन्नरों पर आधारित है, लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ शेयर भी करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, भारत में 5 लाख से भी ज्यादा किन्नर रहते हैं। बता दें कि किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहता है और किसी कारण आम लोगों में उनके जीवन और रहन सहन को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार स्पर्म की अधिकता से पुत्र उत्पन्न होता है, रक्त की अधिकता से कन्या उत्पन्न होती है और वीर्य और रक्त समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होती है। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। दूसरी बात यह भी है कि अरिप्सा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, जब महाभारत में पांडव अज्ञातवास काट रहे थे तब अर्जुन 1 वर्ष तक किन्नर बनकर रहे थे। पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि शिखंडी को किन्नर ही माना गया है। शिखंडी के कारण ही अर्जुन को युद्ध में हरा दिया था। दोस्तों, पुराने जमाने में एक गोल्डन एरा था, जी हाँ दोस्तों, जिसमें किन्नरों को मुगल साम्राज्य में सबसे पहले महिलाओं की धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाती थी। मुगल साम्राज्य का मानना था कि किन्नर हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है और इसीलिए इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हर एक किन्नर में किसी भी पुरुष जितना ही बल होता है और उसी बल की बदौलत इतिहास में किन्नर सेना द्वारा बहुत सी जंगें भी लड़ी गई हैं। मुगल शासन के समय किन्नरों को सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ था। किन्नर उनकी कई सेनाओं में जनरल भी थे और कई रानियों के पर्सनल बॉडीगार्ड भी। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि भारत में किन्नरों का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है, यानी कि महाभारत के समय का। इतने सालों से इस जमीन पर होने के बावजूद भी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया। किन्नर भले ही हमारे बीच रहते हों, लेकिन फिर भी हम उनसे जुड़े हुए पहलुओं को कभी जान नहीं पाए जो सीधा उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या कभी आपने आम इंसानों की तरह ही किन्नरों की शव यात्रा को देखा है। तो आपका जवाब होगा नहीं। आखिर ऐसा क्यों? वो लोग भी तो इसी दुनिया में रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किन्नर की भी शव यात्रा निकाली जाती है, लेकिन रात में। किन्नरों की यात्राएं रात में निकाली जाती हैं ताकि कोई आम इंसान ना देख ले। इसका कारण यह है कि जब कोई आम इंसान देख लेता है तो वो दोबारा से किन्नर के रूप में ही जन्म लेता है। मुर्दे को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। जब किसी की मौत हो जाती है तो पूरा किन्नर समुदाय 1 हफ्ते तक भूखा रहता है। किन्नर की मौत के बाद उसके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। दोस्तों, ये भी इनकी मौत होने पर खुशी मनाते हैं। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि किन्नर की मृत्यु होने से जीवन से मुक्ति मिल जाती है। तो क्या आप यकीन करेंगे कि किन्नरों का विवाह भी होता है? जी हाँ दोस्तों, किन्नरों का विवाह भी होता है। इनका विवाह इनके आराध्य देव रावण से होता है, वो भी मात्र 1 दिन के लिए, क्योंकि अगले दिन रावण देवता की मौत हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। दोस्तों, बता दें कि देश में वर्ष भर किन्नरों की संख्या में 40 से 50 हजार की वृद्धि होती है। पूरे देश भर के तमाम किन्नरों में से 90% ऐसे होते हैं जिन्हें किन्नर बनाया जाता है। वक्त के साथ किन्नर बिरादरी में शामिल होते चले गए हैं जो जनाना भाव रखते हैं। इनकी दुनिया का खौफनाक सच भी है कि ये समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो और जो ऊंचा उठने का ख्वाब देखता हो, एवं ये समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है और फिर वक्त आते ही उसे पड़िया कर दिया जाता है। पड़िया का मतलब उसके शरीर के उस अंग को काट दिया जाता है, उसके बाद वो भी लड़का नहीं रहता। बता दें कि जब किन्नरों के समूह में कोई नया किन्नर आता है तो उसका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। उसके लिए नाच गाने के साथ खास दावत का भी इंतजाम किया जाता है। ऐसे में तो किन्नर बहुत ही खुश दिखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अगर उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो ये किन्नर
बहुत दुखी होते हैं। ये अपनी देवी भरूचा माता से माफी मांगते हैं और उनसे ये बोलते हैं कि अगले जन्म में उन्हें किन्नर कभी ना बनाएं। दोस्तों, हमारे समाज में इनके कई नाम होते हैं, किन्नर, हिजड़ा और न जाने क्या क्या। आम आदमी इनके पैसे मांगने पर ज्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप निकाल कर दे देता है। ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसा भी मानते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ये कोई नहीं बताता। सच्चाई तो ये किसी को मालूम ही नहीं है, तो बताएंगे कैसे। दरअसल दोस्तों, इसीलिए नहीं लेनी चाहिए इनकी बद्दुआ क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। बता दें कि साल में एक बार किन्नर फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल मद्रास से 200 मील दूर कुआंगम गांव में होता है, जहां सभी किन्नर जश्न मनाते हैं। गुरु शिष्य जैसी प्राचीन परंपरा किन्नर समुदाय में आज भी पहले जैसी बनी हुई है। किन्नर समुदाय के सदस्यों को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि ये मांगलिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। किन्नर ज्यादातर तभी दिखाई देते हैं जब घरों में शुभ कार्य हो रहा हो, जैसे किसी की नई शादी होती है तो ये शादी में आते हैं, या बच्चे का जन्म होना। ऐसे मौके पर किन्नर घर आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि किन्नर की दुआ में बहुत ताकत होती है और किन्नरों को दान देना बड़ा पुण्य का काम है। दोस्तों, आपको बता दें कि किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। माना जाता है कि इन्हें वनवास के समय भगवान राम से वरदान मिला था। कहा जाता है कि अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हो तो किन्नर से 1 रुपए का सिक्का लेकर अपने पर्स में रखें। अगर किन्नर आपको सिक्का दे देता है तो उसे हरे रंग के कपड़े में लपेटकर पर्स में रखें या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती, पैसों की किल्लत आपको अपने जीवन में कभी सताएगी नहीं। 1871 से पहले किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था, लेकिन 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स मतलब जरायम पेशा जनजाति श्रेणी में डाल दिया। बाद में आजाद हिंदुस्तान का नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब से निकाल दिया गया, मगर उन्हें उनका हक तब भी नहीं मिला। दोस्तों, ऐसे तो किन्नरों का इतिहास 4000 साल पुराना है, लेकिन आज भी किन्नरों को हमारे समाज में नीचा स्थान दिया गया। वैसे तो किन्नर हिंदू धर्म निभाते हैं, लेकिन उनके गुरु हमेशा ही मुस्लिम धर्म के होते हैं। किन्नरों को हमारे समाज में एक अलग ही नजर से देखा जाता है। आज भी किन्नरों को हमारे समाज में वो जगह नहीं मिल सकी, वो मान सम्मान नहीं मिल सका जिसके वो हकदार हैं। दोस्तों, हमारे विचार में भले ही हमारा समाज किन्नरों को अलग समझता हो, लेकिन इन्हें भी एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए जहां इनका सम्मान हो, इनसे इंसानियत भरा व्यवहार किया जाए। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताना, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको किन्नरों का ये अनोखा संसार जानकर? क्या आप भी किन्नरों की दुआ बद्दुआ में विश्वास रखते हैं? हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।